हाय दोस्तों, अरुण यादव आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आप लोगों के बीच दो शब्द लेकर आया है। कहना चाहते हैं कि वैसे आज इस पवित्रता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। कहते हैं कि आज के दिन को पाने के लिए हमने कई बलिदानियों को सहा है। कई बलिदानी महान यज्ञ हुए, जिस यज्ञ कुंड में देश के रत्न, हमारे देश के लाखों वीर शहीद हुए। हम सब भाई भाई होकर, एकजुट होकर इस पवित्र दिन जो दिल से सब कुछ भूलकर मनाते हैं। हमारे पूर्वज ने अपनी बलिदानी देकर खून के नदी बहाए थे, जिस गोरे के राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता था, जिस गोरे के राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता था, ऐसी शक्तिशाली साम्राज्यवादी सरकार भी निहत्थे भारतवासियों के सामने झुक गए, पर तंत्रता की घनघोर काली रात समाप्त हुई और सूरज निकला, हम आजाद हुए। भारत माता अपने सौभाग्य पे खिलखिला उठी, आजादी मिली लेकिन पूर्ण स्वराज अब तक नहीं मिल पाया। हमें आजादी का एहसास नहीं हुआ अब तक। हमारे पूर्वज भी राजनीति करते थे लेकिन साफ सुथरी, ऐसी राजनीति जिससे कि भारत माता की आंचल ललाट से ना हट सके। इसलिए और आज हम राजनीति करते हैं बस सत्ता और कुर्सी के लिए। हमें डर है कहीं आतंकवाद का तो कहीं माँ बहन बेटियों की इज्जत का, तो बताओ हम पूर्णतः कैसे आजाद होंगे। पूरे देश के युवाओं को आह्वान करना होगा कि हम ऑफिशियली आजाद तो हैं लेकिन हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, नहीं तो ऐसे नेताओं को कुर्सी पर से कान पकड़कर हटाना होगा जो हमारे भावनाओं से खेलकर राजनीति कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए दंगे करवा रहे हैं। उन्हें क्या, उन्हें तो एक्स व सुरक्षा है, अरे डर तो हमें है, आम लोगों की है, आम लोगों को डर है, मेरी माताएं बहनों को है। दंगे से हिंदुस्तान की आत्मा कैसे तड़पती है, मैंने दो शब्दों में आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया है कि ना हिंदू मर रहा है ना मुसलमान मर रहा है, दंगे में तड़प तड़प कर हमारा हिंदुस्तान मर रहा है। जिसको सलाम ठोकता था पूरी जहां, विश्व से उसकी पहचान मिट रहा है। क्या गांधी, क्या सुभाष, क्या अली, क्या आसिफ, आजादी में दिए कुर्बानी का एहसान मिट रहा है। कभी मुद्दा बाबरी का तो कभी मुद्दा मंदिर का, कुछ शर्म करो ये देश के गद्दारों, एक मामूली सी बात में हरि का नाम आ रहा है। देश के हर लोगों को नसीब नहीं दो शाम की रोटी, देश के हर लोगों को नसीब नहीं दो शाम की रोटी, और देखो इस देश में कसाब जैसे का पूरा अरमान हो रहा है। हम आजाद हैं, हमें आजादी का एहसास चाहिए, इसकी पुकार पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। स्वराज हमारा नारा है, हमें स्वराज चाहिए, वरना मिलकर जबरन छीनने पूरा यंगिस्तान आ रहा है। न हिंदू मर रहा है न मुसलमान मर रहा है, दंगे में तड़प तड़प कर हिंदुस्तान मर रहा है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि क्या कारण है कि 125 करोड़ का भारत, लगभग 135 करोड़ का भारत, मात्र 35 करोड़ का अमेरिका हम पे हुकूमत जताता है। क्या कारण है पाकिस्तान अपनी वाहियात हरकतों से बाज नहीं आता। क्या कारण है चाइना हर बार धोखा देता है। अरे चाइना की बात करते हैं, अरे जितना जाति होता है ना उससे छोटा कहीं चाइना वालों का पूरा कद होता है, फिर भी हम चाइना से डरते हैं।
युद्ध नहीं चाहते, सही बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई हमारे वतन को छेड़े और हम चूड़ियाँ पहनकर बैठे। भारत वतन, भारत देश यंगिस्तान का देश है, इतिहास गवाह है, यहाँ की औरतें भी त्रिशूल, तरवाल, तलवार और बंदूकें चलाती हैं, मर्दों की तो छोड़ ही दो। लेकिन हम बने उन घिसी पिटी राजनीति से जिससे हमें हर हाल में बाहर आना। मैं राजनीति की बातें बार बार इसलिए करता हूँ कि राजनीति ही है जो देश और दुनिया को बदल सकता है। आप नजरें घुमा के देख लो कि जो देश या मुल्क हमारे देश से मजबूत है उसकी राजनीतिक व्यवस्था अच्छी है, उसका प्रौद्योगिकी टेक्निकल व्यवस्था अच्छी है, वहाँ की सरकारी स्कूलें अच्छी हैं, तो सब कुछ इस राजनीति से जुड़ा है। यहाँ तक हमारा सामाजिक विकास, हमारी अंतरात्मा की विकास भी राजनीति से ही जुड़े हैं। हम आज़ाद हुए उसके लिए राजनीति शुरू हुई, वो भी एक राजनीति ही थी। उभरती हुनर टैलेंट को लोग मरवा देते हैं, तो दोस्तों उन नेताओं के लिए कहेंगे फिर से, रगों में वो नेताओं की रागवानी नहीं, मर मिटे देश के खातिर वो जवानी नहीं। सब लोग लूटते हैं देश को, ये सच्चाई है दोस्तों, कोई कहानी नहीं। और इस बदहाल स्थिति को दो शब्द कह के मैं वर्णन करने के बाद मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ, जय हिंद। लेकिन अभी फिलहाल चाइना की बातें चल रही है, तो चाइना के लिए मैं दो शब्द गुनगुनाऊँगा और उसे चेताना चाहूँगा कि ए चाइना, तुम भरम ना पालो, ये 17 का भारत है। कहना चाहूँगा कि अरे करो ना घमंड, तू 62 का 67 शक्ति का इमारत है, अरे तुम करो ना घमंड, तू 62 का 67 शक्ति का इमारत है, ए चाइना, अरे ए चाइना, तुम भरम ना पालो, 17 का ये भारत है, ए चाइना, तुम भरम ना पालो, 17 का ये भारत है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद की सेना। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप।